जनमंच खबर में आपका स्वागत है। आज भारतीय संविधान में एक नया दिन अंकित हो गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें से धारा 370 हटा लिया गया। इस बहस के दौरान विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा और संसद के बाहर बाहर क्या कहा, सुनिए और देखिए। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। आज उसी संविधान और अजी मोदी सरकार ने मुझे उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में वोट हासिल करने के, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट है, पॉलिटिक्स के हिसाब से बिल्कुल अलग है, तो इस स्टेट को अगर किसी ने बांध के रखा था तो आर्टिकल 370 ने रखा था। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज एक झटके में तीन चार चीजों को खत्म कर दिया जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जा रहा है। फौज के आने से पहले कश्मीर ने, कश्मीर की औरतों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के मजदूरों ने, कश्मीर के लीडरों ने लाठियों के साथ मुकाबला किया था जो पाकिस्तान की फौज थी और अदाकार फौज थी, उन्होंने रोका। किसी बॉर्डर स्टेट में आप खाली फौज से दुश्मन को नहीं रोक सकता है जब तक वहां के लोगों का कोऑपरेशन, और वहां के लोगों का कोऑपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया, कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया, और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। पाकिस्तान के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।